हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। रंजीत सिंह जी महाराज, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ये सयानी हो करके हमारी नाक को कटवा लेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं बचपन में ही इसका गला दबाकर इस सरामजादी को मार डालता। महाराज, आप हमारी बातों पर यकीन नहीं करते थे और आज अपने आंखों से नजारा देख लिया है। वाकई में तुम्हारी बात सच निकली रंजीत सिंह। जाओ उस सरामजादे को ले आओ और इसी वक्त उस सरामजादे को फांसी के तख्ते से छुला दो। नहीं राजन, ऐसा मत करिए। इसे अपने हाथों से मौत की सजा मत दीजिए। महाराज, इसका पिता सेनापति बलबीर सिंह वो आपके देश की भलाई के लिए सीमा सरहद पे तैनात है राजन, और उसे आप एक बेटे की तरह मानते हैं। महाराज, मैं तो चाहता हूं कि ये फैसला छोड़ दीजिए बलबीर सिंह पे। देखिए कि बलबीर सिंह आज क्या फैसला करता है राजन। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त हमारे बहादुर को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। तो आज्ञा राजन। लगा फोन बलबीर सिंह को और बोल उसे कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात सर। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। लगा फोन। सर, सेनापति जी का वही नंबर है पहले वाला? 98 38 56 57 26। हेलो, कौन? मैं दरबार का मुंशी रामदयाल बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। आप कौन सर? मैं सेनापति बलबीर सिंह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। महाराज जी आपको बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सीमा से शीघ्र ही राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात सर। फरमाइए हुजूर, किस लिए याद किया गया? सेनापति बलबीर सिंह महाराज, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्या हुआ महाराज? एक लड़के ने हमारी बेटी राजकुमारी दीक्षा को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा कर हमारी सास ससुर हमारी मान मर्यादा को उसने धूल में मिला दिया है। महाराज, वो कौन लड़का है जिसने आपके साहियत पर दाग लगाने की कोशिश की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कौन लड़का है? मैं उसके खानदान को मिटा दूंगा। बलबीर सिंह, उस लड़के की पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त हमारे कैद खाने में बंद है। कैद खाने में नहीं, उसे मेरे समक्ष लाया जाए। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बलबीर सिंह, इसीलिए तो तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है कि यह फैसला आज तुम्हें ही करना है। महाराज, आप घबराए नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, हवेली की तरफ आंखें उठाई है, उसकी आंखें निकाल लूंगा। सिपाही, जाओ उस लड़के को बलबीर सिंह के समक्ष पेश किया जाए।
अफसोस, मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ। बलबीर सिंह महाराज, इसी लड़के ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इसे इसे सजा तुम्हें देना होगा, सजा तुम्हें देना है। हुजूर, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं अपने बेटे से कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये बात मेरे दिल में नहीं समाती कि इतना बड़ा ख्वाब अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया, हमें कुछ वक्त दिया जाए। बलबीर सिंह, अगर ये बात है तुम अपने बेटे से कुछ बातें करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का टाइम है, लेकिन 5 मिनट के बाद ये फैसला तुम्हें करके देना होगा। सिपाहियों व मंत्री रंजीत सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ और दीप सिंह की हथकड़ी खोल दो। बेटा, कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू ऐसी घिनौनी हरकत करेगा। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लेना था। तूने इतना बड़ा सपना सजा लिया कि तू आसाम राज का महाराज बनना चाहे। ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। सच बता मेरे नूरे नदर। सच बता मेरे नूरे नदर। मैं रह पाऊंगा, बिन तेरे कैसे जिंदा मैं रह पाऊंगा। सजा देना पड़े ना, करूं फिर गुजर। सजा देना पड़े ना, करूं फिर गुजर। पता ऐसा तूने क्यों किया, ऐसा तूने क्यों किया। बाबूजी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि किस गुनाह की मुझे सजा मिल रही है। कुछ समझ में पिता में आता नहीं, कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। एक निर्दोष को है फसाया गया, एक मेरे आता नहीं।
उठल जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम, झूठा इल्जाम, अगर यह बात मंत्री रंजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, लेकिन यह बात महाराज ने खुद कहा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को धूल में नहीं मिलाएगा। हाँ बाबूजी, आपकी बात सत्य है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा। बाबूजी, आपकी बात सत्य है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सुनिए बाबूजी। क्या सच्चाई है? हम तो आज शाम का मेला देखकर वापस आ रहे थे कि सेनापति बलबीर सिंह, हुजूर क्या सोचा और क्या समझा? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो ये सजा का हकदार है, इसे सजा मिलना वाजिब है। सेनापति बलबीर सिंह, काश अगर उस वक्त नजारा तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इसने क्या किया है? ये हमारी बेटी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने सीने से लगाना चाहिए। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, इकलौता बेटा है, सिर्फ एक औलाद है, दूसरा कोई संतान नहीं। हुजूर, ये सजा मेरे हाथों से ना दिलवाया जाए। हुजूर, एक बाप के हाथ बेटे को मौत की सजा दिलाकर मेरे दिल को मत तड़पाया जाए। हुजूर, ये काम मेरे बस के बाहर है, बल्कि हुजूर किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो, लेकिन ये सजा मेरे हाथों से ना दिलवाया जाए। नहीं बाबूजी, आज हमारी वजह से आपको भरे रात दरबार अपना सर झुकाना पड़ रहा है। बाबूजी, इस कोर्ट के अंदर मैं गुनहगार साबित हो गया हूं। बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी जल्लाद के हाथ न सौंप कर आप अपने हाथों से मेरा गला दाब कर मुझे मार डालिए और आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। पापा, फर्ज पूरा कीजिए। नहीं बेटा, नहीं, जिन हाथों से तेरी परवरिश की उन्हीं हाथों से तेरा गला घोंट दूं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। महाराज, हमेशा आपके इशारे पर मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। इतना उपकार मेरे साथ करें कि एक बाप के हाथ बेटे को मौत की सजा मत दिलवाए। हुजूर, मत दिलवाए। बलबीर सिंह, अगर तुम अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो अपने हाथ से, तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। इसने हमारी सांस सबकत को धूल में मिलाया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। जाओ बेटा, कुछ नहीं कहूंगा। जब ये माजरा तेरी माँ सुनेगी वो तो आत्महत्या कर देगी। तेरी माँ तुझे देखकर जीती है, तुझे देखकर उसके दिल पर तो पहाड़ ऐसा टूट पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगी, जिंदा नहीं बचेगी। जाओ बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। जा रहा हूं। जाओ, यहां से निकल जाओ। नहीं बाबूजी,
आप मुझे जल्लाद के हाथ ना सौंप कर आप मुझे अपने हाथों से मार कर अपना फर्ज पूरा कीजिए बाबूजी, अपना फर्ज पूरा कीजिए। सिपाहियों, इस शरमजादे दीप को गिरफ्तार कर लो और मंत्री रंजीत सिंह राजन इसी वक्त कालू जल्लाद को बुलाया जाए और ये काम कालू जल्लाद के हाथ से हम करवाएंगे। क्यों नहीं राजन, तसीब रखिए आप। सिपाही जी सर, बुला कालू जल्लाद को और साफ जैसे कालू जल्लाद के हाथ। बहुत अच्छी बात, बुला कालू जल्लाद को। कालू जल्लाद राज दरबार में हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर हो। मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किस लिए याद किया गया हुजूर? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। सिपाहियों, जल्लाद को दे दो इसे। ये लड़का अभी नहीं जाएगा। फिर आ गई महाराज। इस कोर्ट में लड़के के हक में मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया है, किस गुनाह की सजा इसे मिल रही है? ये लड़का मेरे सीने पे चढ़ा था, मैं इसके सीने पे चढ़ी थी। ये मेरे कपड़े उतार रहा था, मैं इसके कपड़े उतार रही थी। किस गुनाह की सजा मिल रही इसे? अरे सजा उसे मौत की दी जाती है जो भरे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट कर उसका कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता है तुम्हें तो ताज उतार के फेंक दो। आपका इंसाफ क्या इसी के प्यार में पागल हो चुकी है? राजकुमारी दीक्षा, ये तुम नहीं बोल रही हो बल्कि ये तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये इसी का जादू बोल रहा है। सिपाहियों ले जाओ, पकड़ो इस लड़की को और ले जाओ इसे, घसीट कर इसे कमरे में ले जा करके बंद कर दो। ले जाओ इसे। मंत्री रंजीत सिंह राजन, ये उसी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। क्यों नहीं महाराज, सख्त पैरा दासियों को लगवा दो कि ये कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहिए, और काज से अगर ये निकल गई तो दासियों से कह देना कि कोई भी दासी की खैर नहीं है, मैं चल रहा हूं। दीप सिंह ले गया तुझे जल्लाद, ले गया जल्लाद, मौत के घाट उतार देगा। हराम चादे, मैंने कहा था कि तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। बलबीर सिंह बहुत बड़ा नाच था तुझे और देख तेरा सर भरे दरबार में झुका दिया है। अब देख कि मैं कौन सा खेल खेलता हूँ। अब मैं इसी वक्त जाऊंगा कल्याणमल बाबा के पास। सम्राट, तुमने बलबीर सिंह पर रहम किया है लेकिन रंजीत सिंह किसी पर रहम नहीं करेगा। जब तक तेरी लौंडिया को भी इस दुनिया से नहीं मिटवाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब देखिए कि मैं कौन सा खेल और कौन सा शतरंज रचता हूँ। याद रखो बलबीर सिंह, जब तक तुम्हारे खानदान को तिनके की तरह नहीं बिखेरूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार करिए बलबीर सिंह। जल्लाद, जब मुझे मौत की सजा मिल गई है तो आप खड़े होकर सोच क्या रह गए? क्यों खड़े सोचते भैया जल्लाद?
ओ मेरा, जाके हाजिर करो राज दरबार में। जब आप बियाबान जंगल में आ गए हैं तो आप खड़े होकर सोच क्या रहेंगे? मार दीजिए मुझे और हमारा आंख और कलेजा निकाल कर राज दरबार में महाराज के समक्ष पेश कर दीजिए। ए लड़के, महाराज के आज्ञा अनुसार हम तुझे इस बियाबान जंगल में लेकर आए हैं, और मैं तो ये सोच में पड़ गया था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकालें या कि कलेजा निकालूं। मैं तो ये सोच में पड़ गया था। चिल्लाद, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा आंख और कलेजा निकालने से पहले आप मुझे जान से मार दीजिए, उसके बाद आप शौक से मेरा आंख और कलेजा निकाल लेना, लेकिन मुझे तड़पा तड़पा कर मत मारना जल्ला। ठीक है लड़के, आखिरी वक्त मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। चल लेट जा, अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल लेट जा। या भगवान, जब ये खबर मेरी मां सुनेगी तो वो तो जीते जी अपने प्राण त्याग देगी। भगवान, मेरे माता पिता की रक्षा करना, उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट ना पहुंचे। हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज ना जाने क्यों मेरे हाथ कांपने लगे। जैसे ही मैंने इस लड़के के ऊपर वार करना चाहा, मेरा बदन कांप उठा है, मेरे हाथ कांपने लगे हैं। अब मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। ए लड़के जा, अब तुझे मैं नहीं मार सकता। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद तेरा कुछ कर नहीं पाया, तो आज के बाद इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि इस लड़के के पास कोई दैवी शक्ति हो। जा, मैं तुझे आजाद करता हूं। लेकिन जल्लाद, अगर आप मुझे नहीं मारोगे, हमारा आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश नहीं करोगे, तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। यहां तक कि सिर्फ तुम्हें गिनेगी, तुम्हारे बीबी बच्चों समेत तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जल्लाद, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए, मुझे मार डालिए जल्लाद, मुझे मार डालिए। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज के सामने आंख व कलेजा ना पेश किया तो महाराज मुझे भी फांसी के तख्ते पे झुला देंगे। लेकिन बेटा,
तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा निकाल कर मैं महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा, अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हां बेटा, जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो तुम्हारी तो फांसी होना निश्चित है। लेकिन बेटा, फिर तुम्हारे साथ साथ मेरी भी फांसी हो जाएगी, इसलिए आज के बाद तुम आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, और मैं जा रहा हूं। ठीक है जल्लाद, आज के बाद मुल्क आसाम की तरफ कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। जा बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है कि जहां भी तुम रहोगे हमेशा खुशहाल रहोगे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, और मैं जा रहा हूं। या भगवान, आज मेरी वजह से मेरे माता पिता का सर झुक गया। मेरे पिताजी जिस रास्ते से गुजरते थे लोग उन्हें लूट किया करते थे, लेकिन आज आज जिस रास्ते से गुजरते हैं वो अपना सर झुका कर गुजरते हैं। सोचा था कि जल्लाद ले जाएगा मुझे बियाबान जंगल में मार देगा, लेकिन उसने भी मेरी जिंदगी को बख्श दिया गए। हम अपने माता पिता का झुका हुआ कभी सर नहीं देख सकता। जल्लाद ने तो मेरी जिंदगी को बख्श दिया है, लेकिन ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी से कूदकर हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मैं अपने माता पिता का झुका हुआ कभी सर नहीं देख सकता। भगवान, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आते वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में क्यों पहनाया। जरूर इस अंगूठी का कोई राज्य होगा, तभी राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतार कर मेरे हाथ में पहनाया है। नहीं, अब मैं अपनी जान नहीं दूंगा, जीऊंगा इस धरती पर इस अंगूठी के रहस्य को जानने के लिए कि राजकुमारी जी ने अपने हाथ से उतार कर मेरे हाथ में क्यों पहनाया है। लेकिन इस दीप सिंह के नाम पर नहीं, जाऊंगा इस मुल्क आसाम के बीहड़ों में और बनाऊंगा एक अपना अच्छा सा ग्रह, और अपने आप को डॉक्टर कर्मा के नाम पर विख्यात करूंगा। मैं समझ गया रंजीत सिंह कि जो मैंने तेरा अपमान चमन के अंदर किया, उसी अपमान का बदला तुमने मेरी जिंदगी से लिया है। लेकिन याद रखना रंजीत सिंह, जिस दिन इस कर्मा के कदम राज्य आसाम में पड़ेंगे, आऊंगा साले तेरे बंगले पर, आऊंगा तेरे बंगले पर और खेलूंगा खून की होली। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को छीना है, ये कर्मा तेरी जिंदगी को छीन लेगा। कभी सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया है।